नमस्कार किसान भाइयों, मंडी बाजार भाव अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों के अंदर तेजी मंदी रिपोर्ट पर। फिलहाल आज क्या स्थिति है और आगे क्या स्थिति बनेगी, उस पर हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। उससे पहले थोड़ा सा समय निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। किसान भाइयों, विदेशी बाजारों में खाद्य तेल एवं तिलहन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते क्रूड ऑयल की सप्लाई बंद होने से विश्व बाजारों में ऑयल कॉम्प्लेक्स की कीमतों में तेजी बनी हुई है। इसलिए घरेलू बाजारों में सरसों की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। व्यापारियों के अनुसार घटे भाव से सरसों में कमजोरी देखने को मिली है। रूस यूक्रेन की जंग से खाद्य तेलों की सप्लाई बंधित रहेगी, इसलिए हाजी बाजारों में सरसों में बड़ी गिरावट के आसार नहीं है। जानकारों के अनुसार उत्पादन मंडियों में दैनिक आवक बढ़कर 8 से 9 लाख बोरी हो गई है। मलेशिया में मई महीने के वायदा बाजार के अनुसार पाम तेल की कीमतें 1.88% बढ़ गई है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। यूक्रेन पर हमले के कारण रूस पर प्रतिबंध लगने से सोयाबीन के दाम बढ़ गए हैं और साथ ही सरसों तिलहन ऑयल के दाम भी बढ़ने लगे हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते क्रूड ऑयल का स्तर नीचे गिर गया है। अमेरिका रूस की कई बड़ी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। अंत में किसान भाइयों, आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि हमें सरसों के अंदर बड़ी गिरावट की उम्मीद देखने को नहीं मिलेगी। जानकारों के अनुसार एक बार फिर से सरसों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी या पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाकर हमें आगे बढ़ने में मदद करें, जिससे आपको आने वाली जानकारी सही समय पर मिल सकेगी। धन्यवाद किसान भाइयों, जय हिंद।